हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन वाइट 2। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पोकेमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट में कैंटो के जिम लीडर्स को हरा दिया था, एज वेल एज हम लोगों ने जोटो के जिम लीडर्स को हरा दिया था। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग वर्ल्ड लीडर्स को हराने वाले। बेसिकली होगा क्या कि अब तक हम लोगों ने जितने भी रीजन्स के जिम लीडर्स को हराया था, सो अभी वो सारे इकट्ठा आ जाएंगे और उनमें से कुछ गिने चुने ही जिम लीडर्स के साथ हमारी फ़ाइट होगी। अगर आपको याद होगा तो लास्ट एपिसोड में मैंने इन लोगों को हराया था। ये तो हमारे कैंटो के जिम लीडर्स है, मतलब यहाँ पे लेटेस्ट जिनके साथ हमारी बैटल होती है ना, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो मैंने कैंटो के जिम लीडर्स को लेटेस्ट हराया था लास्ट एपिसोड में, मतलब एंड में हराया था। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग वर्ल्ड लीडर्स को चैलेंज करेंगे। एंड इसके बाद आज का एपिसोड मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखूँगा, वर्ल्ड लीडर्स को चैलेंज करूँगा। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कि मेरे को करनी है आज के एपिसोड में। एंड फिर इसके बाद जो कल एपिसोड आएगा या फिर जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, वो इस गेम का आखिरी एपिसोड होगा। एंड उसके बाद हम लोग न्यू गेम स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोग भी न्यू गेम देखना चाहते हो, सो डोंट वरी गाइज, बहुत जल्दी न्यू गेम आ रहा है। एंड आई नो मैं दो दिन वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज कोई ज़रूरी चीज़ थी मेरे पास। सच बोलूँ तो मैं टाइम नहीं मिल रहा यार अभी कुछ दिनों से, बट ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके उतना। बट ठीक है, आई होप आप लोग मुझे समझ सकते हो। मैंने टीम में चेंजेस भी कर लिए गाइज, मैंने टीम में कुछ पोकेमॉन्स को ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने गेंगार पकड़ लिया, फिर गार्चोम पकड़ लिया, एंड जोरोवाक तो हमारे पास था ही, जो कि हम लोगों को आई गेस एन ने दिया था। एन ने नहीं दिया था, वो कोई तो सेवन सेजेस में से एक कोई तो था, रूड था आई गेस उसका नाम, उसने दिया था हमें। और बाकी की हमारी ये टीम तो है ही। लेकिन गाइज फिर मैंने किंगड्रा को डिपॉजिट कर दिया, बिकॉज आप लोग बोलते हो कि यार वो बहुत ब्रोकन पोकेमॉन है, सो या बिकॉज उसकी एबिलिटी ब्रोकन थी तो मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया, बिकॉज आप लोग कह रहे थे कि ये अनफेयर मैचेस हो रही है। सो ठीक है, अभी हम लोग वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैटल करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी, आपको दिखाता हूँ, यूनोवा, कैंटो, जोटो, हुएन और सिनो के सारे जिम लीडर्स मिक्स होके आ जाएंगे बैटल करने के लिए। एंड होपफुली मैं सबको हरा दूँ। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे गार्चोम को, फिर यूज़ करेंगे जोरोवाक को, और फिर हम लोग यूज़ करेंगे स्लेकिंग को। मैंने गार्चोम को पकड़ लिया था और जोरोवाक के पास साथ भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, होपफुली जो ट्रेनर्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। ओके, हमारी पहली बैटल होने वाली है क्ले के साथ। ओके, विनोना, फ्लेरनी, ब्राइसन, चिली, एरिका, प्रायस, क्ले और मैं। ओके, हमारी बैटल होने वाली क्ले के साथ। क्ले एक ग्राउंड टाइप यूज़र है जो कि काफ़ी अच्छा पोकेमॉन जिम लीडर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। द अंडरग्राउंड बॉस क्ले राइजिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सॉइल। ओके, मेरे लिए यहाँ पे टेंशन की बात स्टार्ट हो चुकी है गाइज, बिकॉज बट इवन दो मेरा स्टार्टिंग में जो पोकेमॉन है गार्चोम, वो काफ़ी ओपी है, वो हरा सकता है। गार्चोम एक ब्रोकन पोकेमॉन है अगर आपने उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया तो। इसका पहला पोकेमॉन है एस्काड्रिल। ओके, लेवल 50 के पोकेमॉन होते हैं। इसमें कितना ओपी लग रहा है अपना गार्चोम, काश मेरे पास एक शाइनी गार्चोम होता, बट नहीं है यार, इतना लक नहीं होता। ओके, ये सरवाइव कर गया। ओके, इसके पास कुछ तो था, ओ फोकस शैश। ओके, उसकी वजह से वो सरवाइव कर गया और उसने यूज़ कर लिया स्वॉर्ड डांस, बट कोई बात नहीं ब्रो, आई डोंट थिंक तू अभी सरवाइव कर पाएगा। वैसे भी वी विल सिंपली यूज़ ब्रिक ब्रेक और इसका गेम ख़त्म। नाइस गार्चोम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ब्रो। और पता है गार्चोम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है हमारे। ओके, अभी आ रहा है एक फ्लाई गॉन, आई विल सिंपली यूज ड्रैगन क्लो, ओ आउटरेज। गार्चोम आई गेस तो सरवाइव कर जाएगा, नहीं। ओके फाइन, जोरोवाक आई चूज यू। लेट्स यूज नाइट डेज, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? ओके, सर्वाइव कर गया।
उसकी एक्यूरेसी गिरा दी हम लोगों ने। इसका पोकेमोन पहले क्यों हिट कर रहा है, ये क्या नाटक है। ओके फाइन, मेरे दो पोकेमोन ऑलरेडी फेंड हो चुके हैं, अभी बस हमारे पास एक आखिरी उम्मीद है हमारा स्लेकिंग। मैं उसको पहले तो थोड़ा सा बूस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज अगर ये बूस्ट हो गया, अरे इसकी स्पीड अभी भी ज़्यादा है, खुद को हिट कर ले, एक नंबर। ओके नाइस, अब हम यूज़ करेंगे शेडो क्लो आई गेस, खुद को हिट कर ले, एक नंबर। मेरी बात सुन रहा है तू, नाइस। और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है फ्लाइगॉन की, सीरियसली। आई मीन गार्चोम को उसने स्पीड में ओवरटेक कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है तेरी। ओके एक गोल रख, गोल रख के लिए हम लोग शेडो क्लॉ यूज़ करेंगे, बिकॉज गोस्ट टाइप के सामने गोस्ट टाइप सुपर इफेक्टिव होता है। लेकिन सही में काफ़ी अच्छी एडिशन है टीम में, सही सीरियसली काफ़ी अच्छी एडिशन है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक को हरा दिया है फाइनली, नाइस। ये बैटल में लगभग हार चुका था, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे पास हमारा स्लेकिंग है तो मैं जीत गया। फॉर सच अ यंग मैन यू हैव अ इम्पोजिंग बैटल स्टाइल, आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नी यू हैड दैट मेड यू सो स्ट्रॉन्ग, बट आई स्टिल डोंट लाइक लूजिंग। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं अभी हमारी नेक्स्ट मैच किसके साथ होगी। एरिका वर्सेस प्रायस में आई गेस एरिका तू हारेगी मोस्ट प्रोबेबली। ओके विनोना ब्राइसन, यहाँ पे प्रायस के चांसेस है मुझे लगा ही था, बिकॉज वो एक आइस टाइप यूज़र है। तो अभी हमारी फाइट होने वाली है प्रायस के साथ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात यही है कि हमारा जो पोकेमोन है ना वो आइस टाइप के सामने वीक है, क्योंकि हमारा गार्चोम्प है आपको तो पता ही होगा, एंड उसके आइस टाइप पोकेमोन मुझे नहीं पता कौन से हो सकते हैं, लेकिन आई विल जस्ट होप फॉर इट कि मैं ये मैच जीत जाऊं, बिकॉज मुझे फाइनल भी लड़नी है, एंड फाइनल्स के बाद हम लोग जीत जाएंगे पोकेमोन वर्ल्ड टूर्नामेंट PWT। ओके आई डोंट नो रेड के साथ कब बैटल करने का चांस मिलेगा। इसका पहला पोकेमोन एक मैमोस्वाइन, आई डोंट नो मैं कौन सा मूव यूज़ करूँ। ये एक आइस एंड ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, आई विल सिंपली यूज़ अर्थक्वेक। इसका पहला मूव आइस शॉट, जो कि हमेशा फर्स्ट हिट करता है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा। ओके कर गया, सीरियसली कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। आई गेस ब्रिक ब्रेक यूज़ करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये पोकेमोन गार्चोम का काइंड ऑफ गार्चोम के सामने एडवांटेज रखता है वो पोकेमोन, बिकॉज वो आइस टाइप हमले यूज़ कर रहा है। लेट्स यूज़ ज़ोरोवाक। ओके आई विल यूज़ फ्लेम थ्रोअर। ओके फर्स्ट हिट कर गया, नाइस। ज़ोरोवाक काफ़ी ज़्यादा ओपी पोकेमोन है, बट इसको सब लोग मेरे को लगता है अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेट्स यूज़ नाइट डेज। ओ माय गॉड, ओके अभी आ रहा है एक आखिरी पोकेमोन वेवाइल। इसकी स्पीड तो आई गेस ज़्यादा होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, बट आई विल सिंपली यूज़ फ्लेम थ्रोवर। ओके आइस पंच, और इसके पास कुछ तो आइस जेम है, जिससे कि इसका डैमेज और बढ़ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ये ख़त्म हो जाएगा। ओके कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वेवाइल को काउंटर करने के लिए हमारा पुराना दोस्त है ना स्लीकिंग। डोंट वरी गाइस, जब जब मेरी टीम में कमी होती है तब तक ये आके हरा देता है सबको। अभी इसने यूज़ कर लिया कॉइल, एंड आई गेस यू आर डेड ब्रो।
अरे नहीं फ्री, ओ माय गॉड, ओ नहीं, थैंक गॉड ये फ्रीज़ हो गया था, लेकिन ये जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं उसको, फ्रोज़न हो गया था, फिर ये फ्रोज़न से हट गया इसका। नाइस, मेरे एक समय के लिए इतना डर लग गया था ना मुझे सीरियसली, बट ठीक है हम लोग जीत गए, प्रायस को हरा दिया हम लोगों ने। और अभी बस एक और मैच और उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर पाव, क्या लिखा है, प्रावेस, ओके, विथ योर स्ट्रॉन्ग विल आई नो यू विल ओवरकम ऑल लाइफ्स ऑब्स्टेकल्स। ओके थैंक यू दादाजी, या फिर मैं कहूँ प्रायस। देखते हैं अभी हम लोग फाइनल मैच किसके साथ लड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली विनोना एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन यूज़र है और ब्राइसन एक आइस टाइप पोकेमॉन यूज़र है, सो मुझे लगता है ब्राइसन के चांसेस ज़्यादा थे। ओके अभी अभी हम लोगों ने एक आइस टाइप को हराया, फिर से एक आइस टाइप आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ क्या? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे होली खेली जा रही है गाइज, लेकिन कोई बात नहीं। द क्वाइट आइस मास, ब्राइसन, लाइट्स कैमरा एक्शन। ओके मतलब आज के एपिसोड में हम लोगों ने दो दो आइस टाइप जिम लीडर्स के ऊपर चैलेंज लिया, ब्राइसन वर्सेस ओमकार, और जबकि मेरा गार्चोम यहाँ पे वीक होता है, बट ठीक है। देर इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथ इन बींग विथ अदर पीपल एंड पोकीमॉन, रिसीविंग देयर सपोर्ट मेक्स यू स्ट्रोंगर, आई विल शो यू दिस पावर। थैंक्स ब्रो, आई गेस तूने मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोला, बट नहीं ठीक है कोई बात नहीं। इसका पहला पोकेमोन है क्रायोगनल। आई विल सिंपली यूज ब्रिक ब्रेक। नहीं आई गेस ये गेम ओवर करना चाहता है, ब्लिजार्ड यूज कर लिया इसने। अरे यार गार्चोम, ये लोगों को क्या दुश्मनी है गार्चोम से। लेट्स यूज फ्लेम थ्रोअर आई गेस। ये क्या है, दो बार ब्लिजर्ड हिट कर गया इसका। ओके थैंक गॉड मिस करने के लिए, क्योंकि अगर तीन बार हिट हो जाता वो अनफेयर हो जाता, ये तो चीटिंग होती फिर तो, बिकॉज पांच मूव में से अगर तेरा एक बार भी मिस नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा तेरा। ओके इसके पास एक वेवाइल है, और आई गेस मैंने लास्ट बैटल में एक वेवाइल के साथ फाइट की थी। आई शाड, ओके लो गाइस हमारा हो गया काम, फिर से सब हमारा आ चुका है स्लेकिंग के ऊपर। देखते हैं क्या आज के एपिसोड में स्लेकिंग हमारे टीम को जीत दिला पाएगा कि नहीं। उससे पहले ओके इसको ब्रेक ब्रेक आता है, ओके ओके ये बात गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे को। ये सरवाइव कैसे कर गया? अरे बाप रे यार, नहीं हम लोग खत्म है, वी आर डेड। नहीं फाइनल में आके कौन हारता है? ओके गाइस फिर से हम लोग आ चुके हैं फाइनल्स में, मैंने दो बैटल स्किप कर दी, लेकिन अभी हमारी देखते हैं किसके साथ फाइनल में बैटल होने वाली है। ओके हमारी फाइनल बैटल होने वाली है नॉर्मन के साथ, एंड नॉर्मन का मेन पोकेमॉन कौन सा है? स्लेकिंग। और फिलहाल तो आज के एपिसोड का मेरा मेन पोकेमॉन भी स्लेकिंग ही है, सो लेट्स सी क्या मैं फिर से फाइनल में हारता हूँ या फिर इस बार मैं जीत जाऊँगा। प्लीज़ भगवान इस बार जिता दे यार, मैं बहुत मेहनत करके आके आता हूँ और फिर कोई ना कोई आके फाइनल में हरा देता है मेरे को, बट ठीक है कोई बात नहीं। अ मैन इन परस्यूट ऑफ पावर, नॉर्मन शोज दैट स्ट्रेंथ।
मेरे को बस इसके मेन पोकेमोन को हटाना है और फिर आई गेस आई एम गुड टू गो। और मेरा अगर जहाँ तक मुझे पता है आई लॉस्ट, क्या लिखा है, आई लॉस्ट टू माई ओन चाइल्ड, आई रीथॉट एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, सो नाउ देर इज़ नो वे आई कैन लूज, आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू विन, यू बेटर गिव इट योर बेस्ट शॉट टू। ठीक है कोई बात नहीं, चिल करो अंकल। स्लीकिंग पहले ही पोकेमोन। मैं करा दूंगा इसको नींद की झपकी दूंगा इसको थोड़ा सा, एंड फिर गाइज हम लोग इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे। आई विल यूज ड्रीम ईटर। ओ इजेक्ट बटन है इसके पास, नाइस। इसका दूसरा पोकेमोन एक बफलंट। इसको भी सुला दूं क्या? ओके ये भी सो गया, नाइस। और गाइस भूलना मत ये फाइनल बैटल है। लेट्स यूज ड्रीम ईटर अगेन। लेट्स यूज स्लज बॉम्ब, पता नहीं कितना डैमेज देगा लेकिन ये स्टैब मूव है तो ज़्यादा डैमेज देना चाहिए। ओके ये उड़ गया और इसने यूज़ किया स्टोन एज, बट इसका बैड लक ये मिस हो गया। बट हमारा अभी स्लज बॉम्ब हिट करेगा एंड ही इज़ गॉन। ओके वो लड़की थी, शी इज़ गॉन। स्लेकिंग रिटर्न आते हुए और एक और स्टैब मूव और लोग आई, इसका काम हो गया, क्रिटिकल हिट लग गई हमारी। इसका आखिरी पोकेमोन एक सॉस बग। ओके ए वेट, ये ग्रास टाइप है तो अगर हम लोग स्लज बॉम्ब यूज़ करेंगे तो सुपर इफेक्टिव होना चाहिए इसके सामने। ओके गेंगार ने हमें जिता दिया है फाइनली। मैंने हार नहीं मानी और मैं जीत गया। आई कांट बिलीव इट, आई लॉस्ट टू यू। यस अंकल, द विनर इज ओमकार। थैंक यू गाइज, मैं जीत गया। लेकिन अभी हमारा बैटल ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक्चुअली दो लोगों के साथ बैटल करनी बाकी है। आई एम गोइंग टू रीडबल माई ट्रेनिंग बाई टेकिंग ऑन दिस टूर्नामेंट। इट वुड बॉदर मी एज अ ट्रेनर टू Not to avenge my loss to you. This concludes the world leader tournament. Okay. मेरे को रेड के साथ बैटल करनी थी, वो कब मैं करूँगा? तुम लोग कुछ बताते ही नहीं हो, बस ये बैटल पॉइंट्स देते हो। मेरे पास इतने सारे बैटल पॉइंट्स आ गए ना गाइज कि मैं अभी आई गेस शॉप में से सब कुछ खरीद सकता हूँ। ओ आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू शेयर दिस न्यूज़, you will be able to participate in the champions tournament after you win world leaders tournament a certain number of times, 9 more, best of luck. kya wait ye kya logic hai, matlab agar main 9 baar jeeta to fir main participate kar sakta hu? bhul jao, main nahi kar raha। abhi hum log jayenge किसको बैटल करूँ मैं आज के एपिसोड में? वेट हमारा ये पोकेमोन फ्लाई करके जाएंगे हम लोग, आई गेस यही पे किधर तो था वो। वेट आई गेस मैं भी ड्रिफ्टविल सिटी में हूँ ना, अभी नहीं हूँ बट हाँ हो जाऊँगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा एक दोस्त है यहाँ पे जो कि हमारे साथ बैटल करना चाहता है और वो उसके साथ हमारी आखिरी बैटल होने वाली है गाइज। आई गेस हाँ यहीं पर। जी हाँ गाइज मैं बात कर रहा था यू की और आई गेस इस बंदे ने मेरे को ज़ोरोवाक दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हमारे यू के साथ आखिरी बैटल होने वाली है सो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा यादगार बनाना चाहता हूँ। सो या दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद स्लीकिंग।
मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा हूँ, बट ठीक है. वॉट आई हर्ड द टीम प्लाज्मा लेफ्ट मैनी पोकेमोन बिहाइंड व्हेन दे फ्लेड ओके एंड आई एम हेल्पिंग फाइंड देयर रियल ट्रेनर्स दैट इज साइड सिंस यू आर हियर यू शुड हैव अ बैटल विथ मी बिफोर यू गो. ऑब्वियसली ब्रो मैं उसके लिए आया, हियर आई कम. इस बैटल को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा. इसका पहला पोकेमोन ओके, इनके पोकेमोन के लेवल बहुत कम है. कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं. फ्लाइगॉन, अरे इसके अटैक भी मिस हो रहे हैं बेचारे के. आई एम सो सॉरी यार, मेरे को तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट मैं क्या करूँ, तेरे लेवल बहुत कम है पोकेमॉन्स के. इसका मेन पोकेमॉन आ गया. ये स्टील टाइप का भी होता है क्या? चलो फाइनली कुछ तो हिट हुआ मुझे. ओके फोकस ऐसे देखे रखा है इसने अपने पोकेमॉन को. नाइस, और फुल रिस्टोर. नाइस नाइस, अभी एक इलेक्ट्रोस आ रहा है. वी विल सिंपली यूज, आई गेस खत्म हो गया. इसकी पूरी टीम मेरे अकेले स्लेकिंग ने खा गई. कोई बात नहीं ब्रो, होता रहता है, प्लीज़ इसको सीरियसली मत लेना. आई सपोज दैट्स इट. If winning in battles is strength, then believing that your Pokemon will come back and waiting for its return is also strength. Doing what you think is right, no matter what anyone else says, like these guys do, is a strength too. Okay, Omkar, come back tomorrow. I will take on you again. That's my way of saying thanks. Nahi bro, ye hamari aakhri mulaqat thi. Iske baad main nahi aa raha because ye game main close kar raha hu. And guys. लिटरली सुबह हो गए, टाइमिंग देख सकते हो यहाँ पे 6 बज रहे हैं अभी और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. कोई बात नहीं. वेट वेट वेट, आज के एपिसोड में इतना छोटा नहीं करूँगा. एक और बंदा है जिसको हमारे साथ बैटल करनी है, लेकिन लेकिन उसको बैटल करने से पहले हम लोगों को पोकेमॉन हील करना नेसेसरी है, बिकॉज वो भी काइंड ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में से एक कह सकते हैं ऑफ दिस गेम. तो उसके पास जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा. एंड वो कैस्टेलिया सिटी में छुपा है. छुपा तो नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ वो इस गेम का क्रिएटर बोल सकते हो. काइंड ऑफ क्रिएटर ही है कि कोई और है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई तो है वो इस गेम का. अरे हटो, देखो सुबह हो गई तो कितने सारे लोग काम पे जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ. ओके हम लोगों को यहीं पे जाना था. यहाँ पे ए प्रेस कर दो और फिर आपको 22 फ्लोर पे जाना है, फिर आप लोग यहाँ से बाहर निकलोगे. और वेट, ये पोकेबॉल में क्या है? एक रिवाइव, थैंक यू. मैं इस लड़के की बात कर रहा हूँ, नॉट दिस टकला मैन, बट दिस बॉय विथ ग्रीन शर्ट टी शर्ट जो भी है. You have become strong, I can tell. Do you want to have a battle with me? Yes. Well, let's begin. इसकी बैटल भी फॉस्ट फ्रॉड करेंगे. गेम फ्रीक कोई तो था वो. सबसे पहले ओके, कॉइल यूज़ करना नेसेसरी है. ओके तो जब तक सकर पंच यूज़ करती रहेगी तब तक मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये. ये पोकेमॉन लिटरली ब्रोकन है यार, इसको फिक्स करो. वेट, मैं वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कॉइल क्यों यूज़ किया मैंने, अननेसेसरीली यूज़ कर लिया.
कोई बात नहीं। और वेट, इसमें मैं बैग यूज़ कर सकता हूँ तो वाई नॉट। इसकी HP 322 है, आर यू सीरियस? ओके, जला दिया इसने। फुल रिस्टोर है गाइज हमारे पास, लेट्स यूज फुल रिस्टोर। लेकिन इसकी HP सीरियसली 322 HP है इसकी, कोई इसका क्या ही बिगाड़ पाएगा। अकेले ने पूरे टीम को ख़त्म कर दिया। 77 का हो चुका है HP, 326 हो गई है इसकी। ओके, यू थिंक अबाउट बैटल्स वेरी थ्रूली, ओके आई लॉस्ट बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, बिसाइड्स इट वॉज फन, कम बैक अगेन टुमारो। नहीं, मैं नहीं आने वाला बिकॉज ये आज का ये आखिरी दिन था, सेकेंड लास्ट दिन था। अभी कल हम लोग खेलेंगे पोकेमॉन लीग के साथ एंड फिर इसके बाद इस गेम को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। गाइज, आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना। एंड मुझे नहीं पता नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, होपफुली बहुत जल्दी आएगा, कल ही आ जाएगा मोस्ट प्रॉबली, बिकॉज फिर इस गेम को कम्प्लीट कर देंगे एंड फिर हम लोग आई गेस ट्राई करता हूँ मैं पोकेमॉन यूवल खेलने का। क्या पोकेमॉन यूवल कंप्लीटेड है मुझे बताना गाइज, मुझे नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं पोकेमॉन यूवल कंप्लीटेड है या फिर नहीं है, या फिर मैं कोई GBA गेम ही खेलूँगा, इतना तो फिक्स कर दिया मैंने। मुझे बताना कौन सा GBA गेम खेलना अच्छा रहेगा, ओके? या फिर कोई तो था जो कि मेरे को बोल रहा था पोकेमॉन थीटा एमरल्ड एक्स खेलने के लिए, मुझे बताना वो गेम भी अच्छा है क्या, ओके? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्या करना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।